तो वेलकम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने Vivo Y20T मोबाइल में जो है बैक बटन को चेंज कर सकते हो। यानी कि गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको साइड में स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपके बटन को जो है लेफ्ट से राइट में करना है या फिर राइट से लेफ्ट में करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आगे भी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। तो गाइस, सेटिंग को ओपन कर लोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर जाना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का। देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, तो आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे गाइस, तो आपको इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइस, सबसे ऊपर ये देखिए, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिस्टम नेविगेशन का, तो आपको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर देखिए ऊपर थ्री बटन नेविगेशन पर सेलेक्ट है, ये आपको इसी पर रखना है। और आपको नीचे यहाँ पर दो पैटर्न मिल रहे हैं बटन्स के, तो यहाँ पर जिस वाले बटन्स पर आपको यहाँ पर देखिए, अगर नीचे वाले पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो बैक बटन है वो जो है लेफ्ट में चली जाएगी, और अगर आप ऊपर वाले पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो बैक बटन है वो राइट साइड में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो भी बटन्स अच्छी लगती है जिधर भी, उसको उस तरफ कर लीजिए, और आपको बस इतना काम करना था, आपका काम हो चुका है। अब गाइस, जब बैक जा सकते हो आपकी इस तरीके से जो है यहाँ पर बैक बटन को चेंज कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।